वेलकम टू किरण्स लर्नर एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पासा, डाइस का टॉपिक। पासा ये एक तरह का आपका घन है, यानी क्यूब है, जिसमें हमारे पास 6 स्तर होते हैं। लेकिन जब हम इसे किसी नोटबुक या पेपर पे बनाते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही फेस हमें दिखते हैं। पहला जो बिल्कुल आपके सामने है, दूसरा जो ऊपर की तरफ है, और तीसरा। बाकी के जो 3 फेसेस हैं वो छिप जाते हैं, वो हमें नहीं दिखते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, वहां पर आपको लिए घन ही बने होंगे। जब हम पहला जब हमारे पास 1 घन बना हुआ है, दूसरा जब हमारे पास 2 घन बने हुए हैं, तीसरा जब हमारे पास 2 से ज्यादा घन है, और लास्ट हमारे पास आता है जब हमारे पास घन को खोल दिया गया, यानी ओपन डाइस है। तो इन चीजों को एक एक को करके हम एक बारी देखेंगे। पहले देखते हैं जब हमारे पास पहला केस है, जब हमारे पास 1 घन दिया गया है, तो हमारे को क्या करना है। जब हमें 1 घन दिया गया होगा तो हमारे को ये देखना है कि घन कौन सा है। घन जो है वो 2 तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड यानी मानक पासा, जनरल यानी साधारण पासा। ये 2 तरह के घन होते हैं हमारे पास। दोनों में अंतर क्या है, हम लोग ने सबने लूडो खेली है। लूडो में जो घन होता है वो होता है हमारा मानक पासा। अब इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत ये होती है जो इसके विपरीत स्तर का जो योग होगा वो 7 होगा। विपरीत फेस स्तर का योग 7 होगा, यानी 1 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत 3। अगर ऐसा मिल जाए हमें तो हम उसे बोलते हैं कि ये एक मानक पासा है। अब बात करते हैं साधारण पासे की। साधारण पासे में क्या होता है कि हमारे को जो एडजेसेंट फेसेस हैं, यानी पड़ोसी स्तर हैं, उनका योग 7 मिलेगा। इसमें ऑपोजिट है, विपरीत, और इसमें पड़ोसी स्तर। तो जब हमारे पास पड़ोसी स्तर का योग 7 हो तो हमारे पास कौन सा पासा होता है, साधारण पासा। अब इसका क्वेश्चन सपोज दिया गया है आपको, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा पासा कौन सा है। तो हम पहले वो चीज देखेंगे। सपोज हमारे पास ये 3 तरह के पासे, ये पासे बने हुए हैं। तो अगर मैं इनमें से पूछूं आपको कि कौन सा पासा कौन सा है, कौन सा मानक पासा है, कौन सा साधारण पासा है, तो देखिए इसमें किसी भी 2 पड़ोसी स्तर का सम योग जो है वो 7 नहीं है, तो ये कौन सा हो गया हमारा, मानक पासा। अब इधर देखें तो हमारे पास ये 2 ऐसे स्तर हैं जिनका योग क्या रहा है, 7, तो ये आपका हो गया साधारण पासा। अगर इनकी इसकी बात करूं तो इसमें 4 और 3 ये आ गए आपका जिनका योग 7 है, तो ये क्या हो गया, साधारण। यहां की बात करें तो 6 और 1 ये भी आपका साधारण पासा। तो इस तरीके से पहले हमें ये देखना है कि कौन जो दिया गया पासा है वो मानक है कि साधारण। तो उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास दिया गया है ये एक पासा बना हुआ है जिसपे कुछ नंबर इस तरीके से हैं, 1, 2, 3। अब आपको पूछा जाए 4 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए किसी भी 2 पड़ोसी स्तर का सम 7 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक मानक पासा है। मानक पासा में 4 के विपरीत क्या होता है, 3, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि आपको इसमें बताना है कि 1 के विपरीत क्या होगा। तो अब देखिए
पांच और सात तो ऐसे आ गए हैं स्तर जिनका योग क्या है, सात। तो ये बन जाता है साधारण पासा। अब साधारण पासे में हमें ये नहीं पता होता है, फिक्स नहीं होता है कि कौन किसके विपरीत होगा। अब एक के विपरीत आया है तो दो और पांच तो नहीं होगा, क्योंकि वो इसके पड़ोसी हैं। तो या तो आपके पास होगा तीन, या फिर होगा चार, या फिर होगा छह। तो इन तीनों में से कोई भी एक आंसर होगा। वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे कि आपको किस तरीके से कौन सा ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट आता है, जब आपके पास दो पोजीशंस दी हुई हैं डाइस की, जब आपको दो पोजीशन दी गई हो तो आपको कैसे करना है। उसमें आपको पहली पहली चीज आएगी वन कॉमन, दूसरा आएगा दो संख्याएं समान है, और तीसरा आएगा आपके पास कोई भी संख्या समान नहीं है। तो जब हमारे पास सबसे पहले आता है एक संख्या समान है, एक संख्या समान में आपको क्या करना है, आपको दो पासे इस तरीके से दिए गए हैं जिसमें एक संख्या समान है। कौन सी संख्या समान है, एक। अब एक से पकड़ के आपको इसको दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घुमा देना है। घुमाने के बाद आप किस तरह से करेंगे इसको, एक दो तीन और दूसरे के अकॉर्डिंग काम करो तो एक चार और पांच। तो दो और चार आपस में विपरीत होंगे, तीन और पांच आपस में विपरीत होंगे, और एक के विपरीत क्या होगा, छह, जो कि छिपा हुआ है। तो इस तरीके से जब हमारे पास एक संख्या कॉमन होती है तब हम इस तरीके से निकालते हैं। अब देखते हैं आपके पास दो कॉमन, यानी अब हमारे पास यही पासे में दो संख्याएं कॉमन दी गई हैं, तो आपको क्या करना है। तो आपको इसमें कौन सी दो संख्याएं कॉमन दिख रही हैं, पांच और एक। तो बची हुई जो दो संख्याएं होंगी वो आपस में विपरीत होंगी, वो आपस में विपरीत होंगी। तो इस तरीके से हमने देखा, जब हमें पासे के पर इस तरीके से दिया हुआ है कि एक संख्या कॉमन है या दो संख्याएं कॉमन है, तो हम किस तरीके से देखेंगे। अब तीसरा केस आता है, जब हमारे पास कोई भी संख्या दोनों में समान नहीं है, कॉमन दोनों में नहीं आता है, तो हम किस तरीके से करेंगे। अब ये दो पासे इस तरीके से बने हुए हैं कि इन दोनों में कोई भी संख्या समान नहीं है, और मुझसे पूछा जाए एक के विपरीत क्या होगा। अब ये देखिए, पहले तो ये पता होना चाहिए ये कौन सा पासा है। अब इन दोनों पड़ोसी स्तर का योग सात आ जाता है, तो इसका मतलब ये जनरल पासा है यानी साधारण पासा है। तो एक के विपरीत तीन नहीं होगा, चार नहीं होगा, तो बचे कौन कौन से, दो भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, और छह भी हो सकता है। तो इस तरीके से जब हमारे को दो पासे दिए हुए हो तो हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। अब हमारे पास आता है जब हमारे को दो से ज्यादा पासे गिवन हो, तो उस केस में हमें क्या करना है। अब वो उस केस में आपको दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, चार भी दे सकता है, वो उसकी इच्छा है। दो से अधिक में तीन भी, चार भी और पांच भी। तो अब सपोज हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, दो ऐसे पासे ढूंढने हैं जिसमें दो संख्याएं समान हैं। अब दो संख्याएं वाला देखिए, इसमें और इसमें हैं दो संख्याएं समान, नहीं, सिर्फ और सिर्फ पांच समान है। इसमें और इसमें देखें तो सिर्फ चार समान है। पहली और तीसरी में देखोगे तो एक ही समान। तो इसमें हम लोग कोई भी एक दो पासे ले सकते हैं जिसमें एक संख्या समान है। सपोज मैं ये वाला ले लेती हूँ, तो इसमें कौन सी संख्या समान है, पांच। तो जब हमारे पास एक संख्या समान होती है तो हम पासे को लेते हैं और दक्षिणावर्त घुमा देते हैं। तो आपके पास कैसे आएगा, पांच एक तीन, पांच दो चार।
तो एक और दो आपस में विपरीत होंगे, तीन और चार आपस में विपरीत होंगे, और पांच के विपरीत आ जाएगा 6। तो इस तरीके से जब हमारे पास एक तरीके से पासा दिया हुआ है, दो तरीके से या दो से अधिक दिए हुए हैं, तो हमें ये चीजें अप्लाई करनी है। चलिए आइए को देखते हैं अब कुछ क्वेश्चंस। अब नीचे दिए गए दो, अब ये क्या है, दो स्थितियों वाला पासा है। तीन संख्या नीचे हो तो ऊपर की संख्या क्या होगी, नीचे के विपरीत हो गया, यानी आपको तीन संख्या के विपरीत बताना है। अब इसमें बात करें तो हमारे पास दो संख्या समान है, 5 और 2, 5 और 2, बचा हुआ क्या है, 3 और 4, यानी 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, पूछा गया है 3 का, तो उत्तर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी दो स्थितियां दी हुई हैं, एक ऊपर है, एक का मतलब 1 के विपरीत आपको बताना है। तो अब इसमें देखें 4 और 6 दोनों में आ गए हैं, तो 1 के विपरीत क्या बचेगा, 5, तो उत्तर हो गया 5। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, हमें बताना है 5 के सामने, यानी 5 के विपरीत बताना है। इसमें भी आपके पास दो ही पासे हैं, इसमें 2 और 1, देखिए दोनों में है, तो 4 और 5, तो 5 के विपरीत क्या आएगा, 4। नेक्स्ट आ जाता है, आपको बताना है 4, 4 के शीर्ष पे, यानी ऊपर अगर 4 है तो नीचे क्या होगा। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो 5 और 6 कॉमन है, तो आंसर क्या आएगा, 4 के विपरीत 2। नेक्स्ट, नीचे दी गई दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, फिर से दो अवस्थाएं हमें किसके विपरीत बताना है, 4 के विपरीत बताना है। तो इसमें आपके पास 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो बचा क्या है, 4 और 3, तो 4 के विपरीत क्या आ जाता है, 3। अब नीचे दी गई है आपको दो, अब आपको बताना है 4 के विपरीत। अब इसमें बात करें तो 2 और 1 एक साथ है, समान हो गई, तो 4 और 5 आपस में विपरीत होंगे। अब इसमें आ जाते हैं 2 से ज्यादा अधिक वाला केस, तो इनको हम नंबर डाल देते हैं, 1, 2, 3 और 4, तो हमें किसके ऑपोजिट बताना है, 2 बिंदुओं वाले के, यानी 2 के ऑपोजिट। सबसे पहले हमें इसमें ये ढूंढना है कि 2 पासे ऐसे कौन से हैं जिसमें 2 संख्याएं समान है। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 समान है, इन दोनों को देखा जाए तो हमारे पास कुछ भी समान नहीं है। इन दोनों को देखूं, सेकंड और फोर्थ को, तो हमारे पास 6 और 4, सेकंड और फोर्थ से हमें ये पता लगता है कि ये दोनों कटिंग हो गया, तो बचा क्या, 1 के विपरीत क्या है, 5। इसके बाद 2 और 4 के बाद क्या हमारे पास कोई और भी है जिसमें हमारे पास 2 संख्याएं समान है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 संख्या समान वाला देख लेंगे। 1 संख्या समान वाला देखते हैं। अब देखिए 3 और 4 से, 3 और 4 में 1 और 4 समान हो गए, बचा क्या, 2 के विपरीत 6, तो अब क्या बचा हुआ है आपको, 3 के विपरीत 4, तो आपको पूछा गया था 2 के, तो 2 के विपरीत हो गया उत्तर 6। अब इसमें भी आपको 4 चित्र दिए हुए हैं, तो आपको पूछा गया है 3 के विपरीत, तो अगर मैं देखूं पहली और दूसरी फिगर, पहले और दूसरे पासे में 5 और 6 समान हो गए, बचा क्या, 3 और 4, तो आंसर क्या हो गया, 4। अब इसमें पूछा गया है कि 4 वाले फलक के पीछे क्या होगा, यानी 4 के विपरीत क्या है। तो अब इसमें देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही संख्या समान है जो कि 3 है, तो हमें 3 को लेके दक्षिणावर्त घुमाना है। तो अगर मैं घुमाऊंगी तो 3, 4, 6, और इसमें घुमाया जाएगा तो 3 के बाद आएगा 1, फिर आएगा 2, तो 4 के विपरीत क्या आ रहा है, 1, तो उत्तर हो गया 1। नेक्स्ट, अगर इसमें दी गई है हमें 4 स्थितियां और बोला गया है कि 6 के लिए आप बताइए, तो अगर मैं देखूं पहली और दूसरी स्थिति, तो आपके पास 2 संख्याएं कौन कौन सी समान है, 1 और 3, तो बचा क्या, 2 और 5, पूछा गया है 6 के लिए। तो अगर इसके बाद हम कौन सी देखें, तीसरी और चौथी फिगर को देखूं, तो 4 कॉमन हो गया, 4 से अगर मैं दक्षिणावर्त घुमाऊं दोनों को, तो पहली फिगर से आएगा 4, 1, 5, दूसरी से आएगा 4, 6 और 2, तो 1 के विपरीत क्या आ गया, 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास दिए गए हैं तीन पासे, तो इसमें भी दो से अधिक वाला रूल लगेगा, तो अब आपको बताना है दो के विपरीत। इसको पहली फिगर मान लेते हैं, इसको सेकंड फिगर, इसको थर्ड फिगर। तो अब आपको बता, पहले दो फिगर्स ऐसी ढूंढ लेते हैं जिसमें दो संख्याएं समान है। तो पहली और दूसरी अगर मैं देखूं तो मेरे पास तीन और छह दोनों में है, तो यानी दो के विपरीत क्या है? पांच। तो उत्तर आ गया पांच। अब फिर से हमारे पास चार स्थितियां हैं, तो हमें बताना है पांच के विपरीत। अब इसको नंबरिंग कर लेते हैं। तो पहले दो पासे ऐसे देखने हैं जिसमें दो संख्याएं समान है। तो देखिए, पहला और चौथा में आपके पास दो संख्याएं कौन कौन सी समान है? तीन और दो। बचा क्या? चार के विपरीत पांच, या पांच के विपरीत चार। तो उत्तर हो गया चार। नेक्स्ट हमारे पास फिर से चार आ जाते हैं। अब आपको डी पूछा है, यानी अब लेटर्स यानी अल्फाबेट्स दिए गए हैं। तो अगर मैं बात करूं पहली और दूसरी पोजीशन की, तो हमारे पास क्या क्या कॉमन है? सी और डी। तो क्या आ जाएगा? बी के अपोजिट ई। अब उसके बाद अगर मैं देखूं सेकेंड और थर्ड फिगर में देखें, बी और सी कॉमन है, तो बचा क्या? ए के विपरीत डी, यानी उत्तर हो गया ए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यदि आमने सामने दिए गए बिंदुओं की संख्या के बीच अंतर तीन हो तो आकृति बताइए जो सही है। यानी हमारे को ऐसे विपरीत निकालने हैं जिनके बीच का डिफरेंस अगर मैं करूं तो हमारे पास तीन आए। तो अगर पहले तो इनमें विपरीत ही निकालना पड़ेगा। अब विपरीत निकालना है तो आपको फिगर काउंट करना पड़ेगा। तो इसमें आपके पास पहले ढूंढना पड़ेगा कि कितनी संख्याएं किसमें समान है। अजीब सी हो रही है, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है इस क्वेश्चन में, फिगर नहीं क्लियर हो रही है। मैं बनाऊं उसको? ठीक है, ओके। तो इस तरह की फिगर को हम बना लेते हैं क्योंकि हमें नंबर जो है पांच छह से ज्यादा दिख रहे हैं। इस फिगर को अगर मैं बनाऊं तो पहले वाला जो पासा है उसमें मेरे पास कितनी बिंदु हैं? सात। ऊपर कितनी है? तीन, सात और दो, नौ। और इधर बचाती हैं पांच। ऐसे ही अगर मैं दूसरी फिगर देखूं तो यहाँ पर है हमारे पास सात, और यहाँ पर है आपके पास नौ, और यहाँ पर है आपके पास तीन। ऐसे ही तीसरी फिगर देख लेते हैं, ऊपर आ जाती है आठ, इधर आ गया चार दो छह आठ, और इधर भी आ गया पांच। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लास्ट वाली फिगर में पांच छ और चार। तो अगर मैं करूं इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास पहली दो फिगर में क्या है कि सात और नौ कॉमन है, तो पांच के विपरीत तीन है। क्वेश्चन में गड़बड़ है सर, इस क्वेश्चन को रिमूव कर दो, ये क्वेश्चन गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है। हाँ, रिमूव इट। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो पासा दिया गया है चार संख्याएं हैं। अब मैं इनकी नंबरिंग करूं, एक दो तीन चार, ठीक है। तो पहले हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिसमें हमारे पास दो संख्याएं समान है। दो संख्याएं समान वाला हमारे पास कोई ऑप्शन दिख रहा है? तीन और छह, पहले वाला और लास्ट वाला। तो हमारे पास तीन और छह संख्याएं समान आ गई, तो दो और पांच आपस में विपरीत हो गए। उसके बाद अगर मैं देखूं थर्ड और फोर्थ, तीस थ्री और चौथी, तो तीन और दो आ गए, तो एक के साथ क्या आ गया? छः। तो अब बचा हुआ क्या होगा? तीन के साथ चार। तो अब आपको क्या पूछा गया? दो के विपरीत क्या है? पांच। अब इसमें भी हमारे पास चार तरह के दिए गए हैं, इनको नाम दे देते हैं नंबरिंग।
चार। तो अब पहले सबसे पहले हम ढूंढते हैं ऐसी दो पासे जिनमें दो संख्याएं समान है, दो रंग समान है। तो आप अगर मैं बात करूं पहली और दूसरी फिगर की, तो नारंगी और बैंगनी ये दोनों में आ गए, तो बचा क्या? जामुनी और लाल, यानी ये दोनों आपस में विपरीत हो गए। अब बात करते हैं तीसरे और चौथे फिगर की, तो आपके पास हरा और नीला दोनों में आ गए, तो जामुनी फिर से लाल आ गया, ये तो हम निकाल ही चुके हैं, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद अगर मैं देखूं हमारे पास और कौन सा आ जाता है, इसमें और कोई नहीं है ऐसा जिसमें कि हमारे पास दो संख्याएं समान है, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या वाला ले लेंगे, कोई भी एक संख्या, जैसे पहला और चौथा। पहले और चौथे को मैं देखूं तो जामुनी समान है, तो जामुनी से अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जामुनी, फिर बैंगनी, फिर नारंगी, फिर इधर आएगा जामुनी, फिर आएगा नीला और फिर आएगा हरा। तो अब मुझे पूछा गया हरे रंग के विपरीत, हरे रंग के विपरीत आया नारंगी, तो उत्तर आ गया नारंगी। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं ओपन डाइस के, तो पहले हम ओपन डाइस का कंसेप्ट समझेंगे एंड देन वी विल डू इट। चलिए बच्चों अब करते हैं ओपन डाइस का जो कि लास्ट कंसेप्ट है इसका। तो ओपन डाइस में हमारे पास किस तरह के हमें क्वेश्चन मिलेंगे, ओपन डाइस का मतलब क्या है, जो हमारा पासा अभी तक हम बंद करके देख रहे थे उसको खोल दिया गया है, तो वो खोल के किसी भी आकार में हो सकता है, वो उसकी इच्छा है वो कैसा आकार बनाता है इसका। तो सपोज आपको आकार कुछ इस तरह के दिए गए हैं, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ बना देना है तीन का। अब तीन का पंक्ति और स्तंभ बना के पहला और तीसरा जो है वो आपस में विपरीत होंगे, यानी अगर मैं इसमें बात करूं तो ये तीन की एक पंक्ति हो गई है, तो ई के जो विपरीत है ये पहला है और ये तीसरा है, तो पहला और तीसरा आपस में विपरीत होंगे। इसी तरीके से ये एक स्तंभ बन गया, तो ए और सी आपस में विपरीत हुए और बी और डी। अब इसमें बात करें तो ये तीनों यानी ए के विपरीत क्या आया, सी, और इन तीनों की बात करें तो बी के साथ क्या आया, डी, बचा क्या, ई के साथ एफ। अब इसके इसमें भी सेम, ये तीन बने तो ए के साथ क्या आ गया, सी, और इन तीनों की बात करूं तो बी के साथ आ गया डी, तो ई बचा एफ के साथ। तो इस तरह की क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें तीन की पंक्ति या फिर स्तंभ लेना है जिसमें पहला और तीसरा आपस में विपरीत होंगे। अब इसी तरीके पे से क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं तो ये इस तरीके से बनता है, ये देखिए ये हमारा क्या बना है, एक स्तंभ है जिसमें ये जो डिजाइन है आपका ये किसके विपरीत है, इसके विपरीत है, क्योंकि इसमें पहला ये है और तीसरा ये है। इस तरीके से ये वाला ट्रायंगल त्रिभुज इस वाले ट्रायंगल के विपरीत आ गया और ये वाला कॉम्बिनेशन फिर से आ गया। अब हमें ये पूछा गया अगर मैं इसको बंद करूं तो मुझे कैसा दिखेगा। अब बंद करने के लिए नॉर्मल सी बात है, जो विपरीत होंगे वो आसपास पड़ोसी नहीं हो सकते हैं, तो देखिए हमारे पास ये दो ट्रायंगल तो है विपरीत आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर विपरीत आ रहे हैं, यहाँ पर इसने पड़ोसी बना दिए, तो ये तो हो गया हमारा गलत। अब इस केस में देखते हैं ट्रायंगल के साथ ट्रायंगल नहीं आ रहा है, इसके साथ अगर ये आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास दो में कॉम्बिनेशन में है। अब इसमें देखिए कि ये वाला इसके साथ नहीं आ सकता है, तो उत्तर हो गया जो मोड़ने में बनेगी, हमें बनेगी बताना है, तो आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट अब इसमें देखें तो ये एक स्तंभ बना, तो एफ के विपरीत आ गया बी, ये इसके विपरीत, ई के विपरीत आ गया सी, और ए के विपरीत क्या आ गया, डी। तो अब देखें एफ और बी यहाँ पर पड़ोसी हैं, यहाँ पर विपरीत हैं, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद एफ और
ई, ये सारे अलग अलग हो गए। देखिए एफ के विपरीत बी है वो नहीं दिया हुआ, ई के विपरीत सी है तो वो भी नहीं दिया हुआ, ए के विपरीत डी है तो वो भी नहीं, तो उत्तर हो गया दूसरा। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए हमारे पास क्या कॉमन दिख रहा है, ई बी और सी, यानी ई और सी हमारे पास यहाँ पर पड़ोसी दे दिए हैं, और इसमें ए और डी, तो इसलिए ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, अब वो ये पूछ रहा है कि अगर मैं इनमें से कोई एक पासा बनाऊं, इनको खोला जाए, या फिर यहाँ पर कौन सा पासा आएगा इन चारों में से, तो इन चारों में से अगर मैं विपरीत निकालूं, देखिए यहाँ से अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो हमारे पास विपरीत निकाल लेते हैं उससे हमारा काम हो जाएगा। तो पहली और दूसरी में 3 और 5 कॉमन है, तो एक के विपरीत आ जाएगा 2। अब पहली और तीसरी में 3 और 2 समान है, तो 4 के विपरीत आ गया 5, तो बचा क्या है आपके पास, 3 के विपरीत आएगा 6। तो जिस पासे में ये पोजीशन पॉसिबल है वो हमारा आंसर होगा। अब देखिए इसमें 1 के विपरीत क्या आ रहा है, 4, लेकिन हमारे पास तो 1 के विपरीत आना चाहिए 2, तो ये चीज पॉसिबिलिटी नहीं है। 5 के विपरीत देखिए 4 तो आ रहा है, फिर 3 के विपरीत 1 आ रहा है, वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए तो 6 के साथ 3 आ रहा है, 4 के साथ 1 आ रहा है, लेकिन 4 के साथ तो 5 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें 4 के साथ 5, 1 के साथ 2 और 3 के साथ 6, तो उत्तर हो गया 14। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास फिगर्स आ रही हैं, तो हमें बताना है कि इसमें से अगर मैं बंद करूं तो ये कौन सा बनेगा। देखिए इसमें सेम सेम फिगर्स जो हैं वो आपस में ऑपोजिट हैं, यानी सेम फिगर जो है वो हमारे पड़ोसी नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें ये दोनों हो गई तो ये गलत हो गया, अब इसमें ये दोनों सेम फिगर इकट्ठे आ गई तो ये गलत हो गया, इसमें ये दोनों इकट्ठे आ गई तो गलत हो गया, अब तीनों में सही अलग अलग है तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब इसमें क्या बोला गया है, हमारे पास ये पासा खुला हुआ है, अब देखिए इसको कर देते हैं 5 2 4, तो अगर मैं इसको बोलूं तो 5 के विपरीत क्या आएगा, 4 है ना, लेकिन अब ना तो इसकी कोई पंक्ति बन रही है 3 की, ना इसकी बन रही है, तो इस केस में हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 6, तो अब देखिए 1 और 3 आपस में विपरीत हो गए, बचा क्या 2 और 6, तो अब आपको क्या पूछा गया है, 1 के विपरीत पूछा था, आंसर आएगा 3। नेक्स्ट इसी तरह का बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है, ये बन गया 3 का, तो क्या है तना जो है वो किसके विपरीत है, पत्ते के, और आपको पूछा गया है फल के सामने, तो अब देखिए अब मैं इसको अगर देखिए अब इसमें शिफ्टिंग कैसे किया जाए, शिफ्टिंग को ना तो इसके लिए बन रहा है ना इसके लिए बन रहा है, तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो चलेगा, तो ये अगर इधर आ गया, बीज अगर मेरा इधर आ जाता तो ये 3 का बन जाएगा, तो बीज के विपरीत क्या आ जाएगा, फल, करेक्ट, तो बीज के विपरीत आया फल। अब नीचे इसमें, अब इसमें क्या है, ऊपर दी गई आकृति को बॉक्स बनाने के लिए मोड़ा गया, दिए गए विकल्पों में से ऐसा कौन सा बन सकता है, वही चीज आ गई, तो आपको ये बताना, देखिए भरे हुए के ऑपोजिट जो पूरा फील्ड है इसके ऑपोजिट हमारी बिंदु है, इसमें बात करूं तो एक खाली के सामने खाली बनाना है और एक खाली के सामने भरा हुआ बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए पहली फिगर में देखूं तो देखिए हमारे पास बिंदु के ऑपोजिट भरा हुआ तो नहीं है आसपास, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 खाली इकट्ठे आ गए हैं, 2 खाली इकट्ठे आ गए, गड़बड़ हो गई, लेकिन ये भी तो है एक तीसरा खाली, क्या पता ये इधर हो, फिर तो बात बन जाएगी, तो ये वाला सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला, इसमें क्या है, दोनों भरे हुए इकट्ठे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों भरे हुए जो हैं वो बिंदु के ऑपोजिट हो जाते हैं, लेकिन बिंदु के साथ नीचे आने चाहिए था, तो ये गलत हो गया। उसके बाद इधर देखते हैं, हमारे पास बिंदु के विपरीत जो है वो भरा होना चाहिए, अब विपरीत भरे हुए 2 है तो एक विपरीत यहाँ भरा जा सकता है, तो ये बन सकता है। इसमें देखे तो अगर हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों भरे हुए इकट्ठे हो सकते हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और एक खाली भी हो सकता है, तो ये भी बन सकता है, तो आपके पास हो जाएगा 1, 3 और 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है, तो देखिए इसमें हमारे पास ये जो सर्कल है इसके सामने बनना चाहिए स्टार। अगर मैं ये पंक्ति लूं तो त्रिभुज के सामने बना होना चाहिए सर्कल, ये भरा हुआ है और वो खाली है। अब इसमें जो स्टार है हमारा उसके विपरीत होना चाहिए एक चकोर, ठीक है। तो हमें ये बोला गया है, इसमें यही मिसिंग नहीं है, सब कुछ चलिए हम ही इसको सही कर देते हैं। हमारे को ये पूछा है कि इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत क्या है, खाली भरा हुआ ये, तो उत्तर हो गया ये। तो कुछ इस तरह के ही क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं पासे में। हमने तीन तरह की चीजें देखी, पहली चीज हमने देखा कि पासे में जब हमें एक ही तरह से दिया गया है, फिर उसके बाद हमें दो तरीके से पासे दिए हुए हैं, फिर हमें दिया गया है दो से ज्यादा, और फिर पासे को खोल दिया गया है।